हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातों के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए, और हमेशा मुझे अपनी ब्लेसिंग देते रहिए। आप आए हैं, कुछ बताएंगे आज के फंक्शन के बारे में? सबसे पहले तो आया हूँ एक्सरे द इनर इमेज। मेरे मित्र हैं प्रदीप शर्मा जी, हमारे इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर्स हैं, तो उनके कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ। और एक्सरे द इनर इमेज में प्रदीप जी का बेटा लॉन्च हो रहा है, नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन प्रदीप जी का बेटा लॉन्च हो रहा है, तो उसी को आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। सर, भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, बिग बॉस का कलाकार है, सुपर स्टार है मिसाइल लाल यादव, तो क्या सोच रखते हैं, क्योंकि दो हफ्ते हो चुके हैं उनको अंदर गए हुए, नॉमिनेट भी हो चुके हैं, और बहुत शिकायतें हैं बिग बॉस से भी और लोगों से भी, वो दिख नहीं रहती है। अभी तो इतना दिख चुके हैं भोजपुरी में, तो बिग बॉस में भी धीरे धीरे नज़र आएंगे। और सबसे बड़ी तो सम्मानजनक बात है मेरे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, मेरे भोजपुरी पर्व के लिए, कि कहीं ना कहीं केसारी जी उस घर में गए हैं बिग बॉस के, और हम सब लोगों का सम्मान बढ़ा ही रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई एपिसोड मैंने उनका देखा नहीं कि जहाँ पर उन्होंने कोई लूज टॉक्स किए हो। अपनी इमेज है उनकी, जैसे वो रहते हैं वैसे ही एक गेम को, अपने आप को वैसे ही दिखा रहे हैं। वो जो वो कर रहे हैं वही एक्चुअली वैसे ही है खेसारी जी। कुछ ऑडियंस जैसे कहते हैं कि एक ऑडियंस होती है जो गोल्ड फिल्में देखती है, एक ऑडियंस एक्शन देखती है, एक ऑडियंस ड्रामा देखती है, लेकिन क्या लगता है आपको सिसाइज ने कहा कि बिग बॉस हमारे लिए नहीं है, हमारी जगह पर बिल्कुल? अगर एग्जैग्रेट की जाए और टीआरपी खींचने की बात है, तो सचमुच वो केसारी जी का घर नहीं है, क्योंकि केसारी जी वैसे है ही नहीं। बहुत ही सरल और शांत स्वभाव के इंसान है वो। शूटिंग पे भी या अमूमन हम लोग जब भी मिलते हैं तो वो ही उनका नेचर है, बहुत ही साइलेंट है, बस अपना काम करते हैं। तो आप ऑडियंस से क्या करोगे, किस तरह का उनका कल्चर है, किस तरह का स्वभाव है, ऑडियंस आपके क्या रिएक्शन है, केसारी को क्या टिप्स देंगे? देखिए, पूरे भोजपुरी जहान से बस यही कहूँगा कि केसारी जी बिग बॉस में गए हैं, ये हम लोग के लिए सम्मानजनक बात है कि सचमुच वो हमारे भोजपुरी माटी का सम्मान बढ़ा रहे हैं, बिना किसी के लूज टॉक्स किए, लड़ाई झगड़ा किए बगैर वो अपनी छवि और अपने आप को वहाँ पर दर्शा रहे हैं एक अच्छे इंसान के स्वरूप में। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारा हीरो आज बिग बॉस में है, सम्मानजनक बात है, उसमें सेकंड थॉट लेने वाली कोई बात नहीं है। और जहाँ तक टीआरपी की बात है, तो चैनल तो अपना टीआरपी ले ही रहा है। ऑडियंस से कुछ कहेंगे केसारी जी को? वोट कीजिए, वोट पर जाइए और केसारी जी को वोट पर जाकर सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के बाद में केसारी जी को जिताइए, मैं यही विनती कर सकता हूँ। और आने वाली अपकमिंग, अभी मेरी आने वाली अपकमिंग प्रोजेक्ट है संघर्ष के बाद में विजेता, विजेता के बाद कलाकार, और बहुत सारी फिल्में अभी साइन में हैं, तो इतने जल्दी नहीं डिस्क्लोज कर सकता। धीरे धीरे जैसे जैसे फ्लोर पर जाऊंगा फिल्में भी डिस्क्लोज होंगी। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।